गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं हुंडर का यांगडन होमस्टे पे और आज हम जाने वाले हैं हुंडर से ले, और ये रहा हमारे होमस्टे से बाहर का नज़ारा। अभी हम हैं हमारे रूम पे जो हमने हुंडर में लिया था होमस्टे पे, और वहाँ के विंडो से बढ़िया सा सनराइज भी दिखता है। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। और इस रूम से मतलब सनराइज और सनसेट दोनों का व्यू बहुत बढ़िया आता है। और अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट करने और ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है और ब्रेकफास्ट में है लद्दाखी रोटी, इसको लद्दाखी रोटी बोलते हैं, और साथ में बटर और जैम। इसको अभी हम ये लोग ऐसे खाते हैं, इसमें बटर या फिर जैम डाल के। अच्छा टेस्ट है इसका। नॉर्मल घर की रोटी जैसा टेस्ट नहीं करता, थोड़ा सा डिफरेंट है और फ्लफी और सॉफ्ट भी है। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। इसमें थोड़ा जैम लगाकर खाके देखते हैं। बटर से मुझे जैम से अच्छा लगा। ये आटा से बनता है क्या? आज आप लोग का फेस्टिवल है? पूजा है क्या? पूजा है, हमारा गांव का पूजा है। ओके जुले। यहाँ पे लादा की रोटी बन रहा था और आप लोग ने जैसे देखा कैसे बनता है, तो अभी निकलेंगे। तो चलिए इधर से मेन रोड 2-3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस, तो चलिए चलते। बैग वगैरह पैक हो गया। आज ये फेस्टिवल का नाम क्या है? बूमस्कोर। हर साल यही डे पे होता है या फिर चेंज होता है? यही डे पे होता है। अच्छा, आज 28 है। 28 है ना, हर साल यही डेट पे ही होता है, आगे पीछे होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बूमस्कोर। ओके ओके बाय। आज यहाँ पे फेस्टिवल है जिसका नाम है बूमस्कोर, और अभी हम जाएंगे मेन रोड पे, बस लेके जाएंगे ले। हमारा प्लान था कहाँ जाना? तुर्तुक जाना हमारा प्लान था, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि लोकल से पता चला, लोकल जो बस चलता था वो बंद हो गया,
कोई बस तुर्तुक के लिए नहीं चलता है, और हमको जाना है तो लिफ्ट लेके जाना पड़ेगा, और यहाँ से तुर्तुक 86 किलोमीटर दूर है, और शायद डिस्किट से शेयरिंग टैक्सी मिल जाता, लेकिन यहाँ से डिस्किट जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से तुर्तुक। एक्चुअली हम ले वापस जाना चाहते हैं क्योंकि हेमिस फेस्टिवल है आज और कल, 28 तो आज ट्राई करेंगे हेमिस फेस्टिवल ज्वाइन करने के लिए, नहीं तो कल। तो फिलहाल चलिए मेन रोड की तरफ, दूर दिखाई दे रहा है मेन रोड, और वो गाड़ी जहाँ से टर्न लिया वहीं पे हमारा होम स्टे था। अभी हम मेन रोड पे पहुंच गए हैं, और अगर आप हुंडर आ रहे हो तो आपको यहाँ पे ही उतारना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, देख सकते हो आप, और इसके ऑपोजिट में और एक स्ट्रक्चर है, और साथ में एक गेट भी है। तो आपको जाना है इस तरफ, यहाँ से अगर आप 4-5 मिनट वॉक करोगे तो आपको बहुत सारा होम स्टे भी मिल जाएगा, या फिर हम जिस होम स्टे में थे आप उसमें भी रह सकते हो, और वहां से सैंड ड्यून्स भी बहुत ही पास होगा आपका, 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है आपका। तो अभी आप आ रहे हो तो आप यहाँ से ही जाओगे। चलिए बस का इंतजार करते हैं। इस साइड है डिस्किट जो है 7 किलोमीटर, और ले 125 किलोमीटर, और ये रास्ता है तुर्तुक जाने का 77 किलोमीटर दूर। अगर आप ले से नुब्रा भाई लोकल बस से आएंगे तो आपको आपका जर्नी डेट से एक दिन पहले टिकट लेना होगा ले बस स्टैंड का टिकट काउंटर से। लेकिन नुब्रा से ले भाई लोकल बस से जाएंगे तो प्री बुकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, बस में चढ़ के ही आपको टिकट मिलेगा। स्कूरू टू ले बस फेयर है 310 रुपए, और हुंडर से ले बस फेयर है 270 रुपए। दिन में एक ही बस ले से नुब्रा आता है, और एक ही बस नुब्रा से ले जाता है। जो बस ले से नुब्रा आता है वही बस नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे नुब्रा से ले के लिए निकलते हैं। ले से नुब्रा तक बस जर्नी का डिटेल्स इंफॉर्मेशन कश्मीर लद्दाख हिमाचल सीरीज एपिसोड 14 में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नुब्रा वैली का स्कूरू विलेज से सुबह 8 बजे बस छोड़ता है, और वही बस करीब 9:45 बजे हुंडर पहुंचता है। हम जब हुंडर से इस बस में चढ़े थे तब टाइम हुआ था 9:03। अगर आप हुंडर से बस लेंगे तो सुबह 8:30 बजे के आसपास हुंडर बस स्टैंड पहुंच जाइए। स्कूरू टू हुंडर 23 किलोमीटर, और हुंडर से डिस्किट 9 किलोमीटर। बस डिस्किट आ गया है, बस तो ऑलरेडी बहुत ही भीड़ है, और यहाँ से भी बहुत सारा पैसेंजर चल रहे हैं। इस बस में ले से नुब्रा आते वक्त जर्नी डेट से एक दिन पहले टिकट लेके सीट बुकिंग करने का ऑप्शन है, इसलिए प्री बुकिंग करके ले टू नुब्रा बस में बैठ के आ सकते हो। लेकिन नुब्रा से ले जाते वक्त सीट प्री बुकिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको पूरा रास्ता खड़ा होके भी जाना पड़ सकता है। बस में बहुत ही भीड़ है, और अभी तक हमें बैठने के लिए कोई भी सीट नहीं मिला है। अगर आप स्कूरू से आएंगे तो तब आपको सीट मिल सकता है।
हम लोग खरदुंग विलेज में पहुंच गए हैं। यहाँ पे बस लंच के लिए रुका है। फाइनली खरदुंग विलेज से जुगाड़ लगा के बस का सामने बैठने के लिए सीट मिल गया है। अभी टाइम है 3:30 और हम पहुंच गए ले। अभी हम जा रहे हैं अतिशा गेस्ट हाउस की तरफ और हम जिस दिन नुब्रा गए उसके एक दिन आगे हम टिकट कर लिए थे और इसलिए हम नुब्रा बैठ के जा पाए। अगर आप एक दिन आगे टिकट नहीं करेंगे तो आपको पूरा रास्ता खड़ा होकर जाना पड़ सकता है। और हम आज नुब्रा से ले पहुंचे तो उस तरफ से आते वक्त कोई पहले से टिकट बुक करना नहीं पड़ता है, आप बस में चढ़ के फिर टिकट लेना पड़ता है, इसलिए आने में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। कभी कभी बैठ के कभी खड़ा होके, तो वही दिक्कत हुआ और कोई प्रॉब्लम नहीं था। बैठने में कंफर्टेबल नहीं थी तो इसीलिए आने में थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा ही टायर्ड हो गई, क्योंकि जाने जिस दिन गई थी उस दिन उतना प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि बैठ के गए एकदम कंफर्टेबली। प्री बुक करने से एक दिन आगे हम बुक किया इसलिए हम बैठ के गए। और आते टाइम बुकिंग करने का कुछ वैसा नहीं है, आपको इंस्टेंट जाना पड़ता है तो इतना प्रॉब्लम हुआ। अगर आप ले से नुब्रा जा रहे हो बुक जरूर करके जाइए टिकट एक दिन पहले, क्योंकि इस बस में बहुत ही भीड़ होता है, क्योंकि हर दिन एक ही बस जाता है ना, एक बस जाता है और एक बस आता है, नेक्स्ट दिन वही कम बैक करता है तो इसीलिए बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है। फिलहाल अभी चलते हैं रूम की तरफ, हो जाएंगे फ्रेश, भी बहुत ही टायर्ड है, फ्रेश होने के बाद थोड़ा निकलेंगे फिर। अभी हम फ्रेश हो गए और बाहर जा रहे हैं खाने के लिए। अभी टाइम है 8:00 और अभी गेस्ट हाउस से रेडी होके निकले, मार्केट की तरफ जाना है और कुछ खाना है, तो चलिए। इंग्लिश
more you rotate, the more you get blessed. देखिए हजार टका तो नहीं मिलता बहुत जोर की भूख लगी और हम आ गए हैं फार्मर्स किचन जो जे एन के बैंक के ऑपोजिट में है। आज लिया है नॉन वेज थाली, स्पेशल नॉन वेज थाली जिसमें है जीरा राइस, बटर चिकन, रोटी दो पीस होगा, मिक्स्ड वेज एंड मिक्स रायता और बटर चिकन में दो पीस होगा। और साथ में हमने लिया है कोल्ड ड्रिंक्स दो और स्पेशल नॉन वेज थाली का प्राइस है 375 और कोल्ड ड्रिंक्स का प्राइस है 35। तो हमने दो कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाए हैं। हमारा थाली आ चुका है और थाली में है मिक्स रायता, ये है बटर चिकन, ये है मिक्स्ड वेज, एक पापड़ और जीरा राइस और यहाँ पे हमारा दो मिनी सा कोल्ड ड्रिंक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सच में ये वाला रेस्टोरेंट कभी डिसअपॉइंट नहीं करता, बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका। आप भी आओ और टेस्ट करो। डिनर कंप्लीट और अभी हम जाएंगे रूम पे और आज के लिए ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं कल एक नया डेस्टिनेशन पे। फिलहाल गुड नाइट।